नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्टाल स्पास टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेफ्टाल स्पास टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेफ्टाल स्पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेफ्टाल स्पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेफ्टाल स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। मेफ्टाल-स्पास टैबलेट का उपयोग पेट में दर्द और पेट में ऐंठन होने पर किया जाता है। मेफ्टाल-स्पास टैबलेट पेट के दर्द और पेट की ऐंठन को ठीक करती है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए मेफ्टाल-स्पास टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को खाली पेट लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को कुछ खाने के बाद ही लेना चाहिए। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। मेफ्टाल-स्पास टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्टाल-स्पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मेफ्टाल-स्पास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मेफ्टाल-स्पास टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह में सूखापन, पेट में जलन, भूख का कम होना और शरीर में कमजोरी होना आदि साइड इफेक्ट्स मेफ्टाल-स्पास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और पेट में अल्सर होने पर मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मेफ्टाल-स्पास टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मेफ्टाल-स्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मेफ्टाल-स्पास टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब मेफ्टाल-स्पास टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि मेफ्टाल-स्पास टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं के दूध में निकलती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेफ्टाल-स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मेफ्टाल-स्पास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।